बलूचिस्तान असेंबली का रुख करेंगे, वहां पर हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपना अपना वजीर आला लाने के लिए सरगर्म है। जमीयत उलमा इस्लाम भी इस दौड़ में शामिल हो गई है और तीनों जमातों के एक दूसरे से रबते भी जारी है। इसी पर हम बात करेंगे इरफान सईद से। इरफान, आगाह कीजिएगा, क्योंकि हदफ जो है वो किसी भी अगर जमात ने वहां पर हुकूमत करनी है बलूचिस्तान में तो 26 जो है वो होनी चाहिए अक्सरियत, लेकिन यहाँ पर 26 किसी की भी अक्सरियत नहीं है। कौन सा उम्मीदवार यहाँ पर नजर आ रहा है आपको वजीर आला बनता हुआ बलूचिस्तान का? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में अगर देखा जाए, बलूचिस्तान में इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पार्टी 11-11 नशस्तों पर इस वक्त बराबरी की बुनियाद पर पहली पोजीशन पर है, जबकि मुस्लिम लीग नून 10 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 4 नशस्तें हैं, इस तरह नैशप पार्टी 3। तो बलूचिस्तान में जो हुकूमत साजी के लिए जो अभी तक हमारी जो ज़राए बता रहे, पीपल्स पार्टी का मूड नहीं लग रहा कि मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करें, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी अगर दोनों मिलकर 11-11 अरकान के साथ 22 अरकान की तादाद बनती है। इसके साथ आप पार्टी के जो 4 अरकान है वो भी इनके साथ हामी भर ली है उन्होंने भी। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने जो 6 आज़ाद अरकान जो जीते हैं बलूचिस्तान से, तो उनमें से भी 3 अरकान के साथ रबते कर लिए हैं।